दूसरी चीज प्रैक्टिकल जो होता है हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, उसमें आपको ये सारी ड्राइंग बनानी है। ये इतनी इतनी सी नहीं बनानी है, प्लान बनाना है, एलिवेशन बनाना है और इसका क्रॉस सेक्शन भी बनाना है। ठीक है, आप अभी कॉलेज जाओगे तो वहां से लोगे बुक, बीडीडी की बुक में भी ये मिलेगा, तो वही शीट कॉमन बीडीडी में भी बनेगी और मेरे कोर्स में भी बनेगी। तो मुझे बना करके कॉलेज में आप सबमिट करवाना। ठीक है, एक डेट दूंगी मैं, उसी डेट में मुझे सबमिट चाहिए और यहाँ पे क्लास में आप मुझे दिखाओगे कि शीट कैसी बनी है। ठीक है, आई बात समझ में? मुझे प्रॉपर शीट चाहिए, ये मेरा होमवर्क और असाइनमेंट दोनों में कंसीडर होगा। दूसरी चीज, मैं डोर और विंडो जब पढ़ाऊंगी तो उसकी भी मुझे एक प्रॉपर शीट चाहिए होगी, जिसमें उसका प्लान आएगा, क्रॉस सेक्शन आएगा और इलिवेशन आएगा। आ रही है बात समझ में सभी को? तीसरी चीज ये कितनी कि ड्राइंग लगेगी? वो डिपेंड करता है, मतलब ये आप अगर जैसे स्ट्रेट स्टेयर केस बना रहे, इसमें कैसे, ये छोटा सा आपका ये बुक है, इसमें कैसे छोटे टाइप में दे रखा है। ठीक है, नॉर्मली मुझे ऐसा नहीं चाहिए, पढ़ाने के लिए मैं इसका अभी रेफरेंस ले रही हूँ, मगर जब आप शीट पे बनाओगे तो आप बीडीडी की बुक में स्टेयर केस का टॉपिक निकालोगे जब जा करके इसको बनाओगे। आई बात समझ में? बीडीडी की बुक है क्या अभी सबके पास में? नहीं हो तो मेरे दिन में पास है आप मैडम। देख लेना, नहीं हो तो दिन में आप देख लेना। ठीक है, अगर हो तो खोलो। बीडीटी की बुक खोलो, उसमें ये टॉपिक खोलो। आगे आगे देख लो, या बैक साइड में ऐसे टाइप करोगे तो बैक साइड में ऐसे लिखा रहता है। इसमें जैसे ये कोई सी भी बुक है, ये मेरे पास एक फाउंडेशन की बुक है, इसके पीछे क्या रहता है, ऐसे लिखा रहता है। अगर हमको कोई सा भी टॉपिक जल्दी में ढूंढना है तो हम इसके पीछे क्या ऐसे लिखे हुए रहते हैं, जैसे पी से लिखा हुआ, तो पी से मेरे को अगर कोई सा भी टॉपिक इसमें ढूंढना है, जैसे सपोज प्रेशर बल्ब, प्रेशर बल्ब अगर मुझे ढूंढना है तो मैं देख लूंगी कौन से पेज नंबर पे प्रेशर बल्ब हैगा, तो ये 299 पे जाकर के मैं डायरेक्ट अपने टॉपिक को निकाल सकती हूँ। ऐसे ही आपके पास अगर बीडीडी होगी तो उसमें भी पीछे ऐसा एंट्री होगी, तो उसमें एस पे जाकर के आप इस इधर देखो स्टेयर केस का टॉपिक कहाँ लिखा हुआ है, और वो पेज नंबर पे जाकर के फटाक से ओपन करो, जल्दी ओपन करो और अपना वीडियो ऑन करो। मेरे पास बुक नहीं है बीडीडी की। हुआ सक्षम? ढूंढ रहा हूँ मैडम, एक सेकेंड। मैंने बताया ना आपको, लास्ट पेज पे जाके देखो स्टेयर केस कहाँ लिखा हुआ है, कौन से पेज नंबर पे। मिल गया मैडम, मिल गया। वीडियो ऑन करो अपना, बैक कैमरा चालू करो। मैम ये नया टॉपिक है क्या फाउंडेशन? हाँ, ये फाउंडेशन अब खत्म हो गया, स्टेयर केस स्टार्ट कर रही हूँ, और ये बहुत मेन टॉपिक अच्छा है, और इसकी शीट भी बनानी है जो सबमिट हो गया आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में। तो वही बता रही हूँ कि शीट कैसी बनानी है। बीडीडी की बुक तो खोलो, शीट। बीडीडी की बुक खोलो। सक्षम खुली अच्छा कि मैम नहीं खुली? कैमरा तो ऑन करो तुम। हाँ रुको एक सेकंड, मेरे फोन में कुछ दिक्कत हो रही है। हिलाओ मत, ये सारा दिख रहा है? एक नॉर्मल स्ट्रेट स्टेयर केस दिखाओ, सक्षम वाला नॉर्मल कैमरा देखो। हाँ आगे स्ट्रेट फ्लाइट। खोलो, पीछे पन्ना पलटाओ जहां से स्टार्ट हुआ स्टेयर केस। इसमें आपको पूरा टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, स्टेयर केसेस उसके बारे में, और उसके ये अलग अलग एलिमेंट देखो, ये 11 जो टॉपिक लगा हुआ है ना, इसमें लिखा हुआ नेवल, हैंडल, हैंडरेज, ये जो छोटे छोटे पॉइंट डले आपके लेफ्ट साइड के पेज पे, पढ़ो इसमें क्या हाँ लिखा हुआ है, एक एक पॉइंट जो बोल्ड में लिखा हुआ ब्लस्टर। है ना। ये सारी चीजें क्या होती है, ये स्टेयर केसेस के एक एक पार्ट्स के बारे में बताया गया है, राइजर और ट्रेड और वो सारी चीजें, तो वो भी आपको नोट करना है। ठीक है, अब एक और पन्ना पलटाओ आगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे बीच बीच पन्ने में?
वर्गीकरण, स्टेयर्स का वर्गीकरण है ना, यही लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेयर्स। पहला क्या लिखा है उसमें, सीधी सीढ़ी लिखा होगा। आपका म्यूट हो गया है फोन, अनम्यूट करो। सीधी सीढ़ी है ना, स्ट्रेट स्टेयर केस। दूसरा क्या लिखा है, डॉग लेगेड सीढ़ी है ना, डॉग लेग्ड मतलब जो डॉग का जो लेग होता है वो कैसा रहता है, पॉ जैसा रहता है, पॉ जैसा मतलब पंजे जैसा रहता है, तो उसको बोलते हैं हम डॉग लेग्ड स्टेयर केस। अगला क्या लिखा है, नेवल सीढ़ी, ओपन नेवल या फिर ओपन वेल भी बोल सकते हैं इसको हम, ओपन वेल स्टेयर्स या ओपन नेवल स्टेयर्स। अगला क्या लिखा है, खुला हुआ प्रकार की सीढ़ी, इंग्लिश में क्या लिखा है वो, इंग्लिश में लिखा ओपन वेल स्टेयर। यही ओपन वेल। फिर ज्योमेट्रिकल स्टेयर, ठीक है, ज्योमेट्रिकल स्टेयर्स। फिर ये सर्कुलर स्टेयर, सर्कुलर वृत्ताकार, हाँ। और फिर अगला बाइफरकेटेड स्टेयर, ठीक है, इसको टर्निंग भी बोल सकते हैं, बाइफरकेटेड। और फिर ये लास्ट इज स्पाइरल स्टेयर, ठीक है, स्पाइरल भी ठीक है, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक, सभी के पास बुक है, नरेंद्र पवन? यस मैम, ये पर अभी पास में नहीं है। नहीं है मैम, घर में है। हाँ मैम, तो एक काम करोगे सक्षम, तुम ये जो स्टेयर केस वाला पूरा वो है बुक, उसका फोटो क्लिक करके अपने ग्रुप में पोस्ट करोगे, ठीक है, इस पूरे चैप्टर का। हाँ, पूरे चैप्टर का, जहाँ तक पूरी सारी प्रकार की स्टेयर केसेस है वो भेज दोगे अपने ग्रुप में, तो इससे क्या होगा, जिनके पास बुक नहीं भी रहेगी उनके पास बहाना नहीं रहेगा कम से कम, ठीक है, और जिनके पास बुक है तो वो बुक में से देख लेंगे। हुआ क्लियर? हाँ। ये आज की तारीख में मेरे को याद हो जानी चाहिए, मेरे को तो याद है, आपको याद हो जानी चाहिए, आई बात समझ में? आज की तारीख में, आज संडे है और कोई ब्रेक नहीं आज, ठीक है, अभी समझा रही हूँ, आज खुद से पढ़ोगे, फिर कुछ डाउट आएगा तो कल के कल इसको पूछोगे, अदरवाइज एक एक दो दो नंबर सबके काट लूंगी प्रैक्टिकल में से, अगर स्टेयर केस याद नहीं हो। मैडम आज के आज में स्टेयर खत्म कर देंगे। हाँ, आज के आज में खत्म होनी चाहिए और कल तक डाउट आ जाने चाहिए, ठीक है, जितने हाँ। भी रही से जो क्लास में नहीं आए उनको सबको बोल देना, ठीक है, अगली क्लास में जब भी आए, जब तक मेरा आज तक की क्लास का और आज तक के वीडियो देखने के बाद अगर मैं जब इंस्टेंट जवाब पूछूंगी यहाँ पे वीडियो कॉल पे, अगर नहीं आए आपको जवाब देना, देख के बताओ चाहे बिना देखे बताओ, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ना, मगर जो पूछ रही हूँ वो बताना आना चाहिए, अभी तक जो क्लास में हुआ है सबको बोल देना, कान खोल के सुन ले, नहीं तो जितने 30-35 नंबर है ना मेरे हाथ में, मैं 2 मिनट में कट कर दूंगी, जितने लोग रेगुलर है ना क्लास में आयुषी रियांची, सबको दे देना संदेश ले जा करके, और जो क्लास में आ रहे हैं वो जवाब देते हैं जेनवनली, वो अभी बैराग आया 2 दिन से आ रहा, उसने जवाब दिए मेरे को जेनवनली, ये दिया, ये इस स्थिति का जवाब दिया, ये कंडीशन का जवाब दिया, ये कंडीशन इंजीनियरिंग वालों को भी नहीं याद रहती है कि भैया किसको शेलो बोलते हैं और किसको डीप बोलते हैं, ये क्लास में आने के नतीजे हैं, ये बाय आपको क्या होता है फ्लुएंसी के साथ याद होता है, मुंह जवानी याद हो जाता है, इसमें डीप की पाइल पाइल फाउंडेशन बता दोगे अभी आप, कितने प्रकार की पाइल होती है, लोड बियरिंग है ना, कल ही पढ़ाया, फिर क्या होती है दूसरी, फ्रिक्शन पाइल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, घर्षण पाइल भी बोलते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि घर्षण के द्वारा वो लोड अपना बियर करती है, ठीक है, घर्षण किस किस के बीच में होता है, तो सॉइल और पाइल के बीच में, ये क्लास अटेंड करी रहती है ना, तो ये मुंह जवानी रटा हुआ रहता है एक के बाद एक। इसके बाद कल कौन सा फाउंडेशन पढ़ाया गुर्जर, वेल फाउंडेशन पढ़ाया था कल रात को जब क्लास लगी थी मैडम, वो तो आया ही नहीं अभी। हाँ, जो भी कोई है, कल मैंने पाइल फाउंडेशन पढ़ाया, अलग अलग प्रकार की पाइल को पढ़ाया, शीट पाइल, इंक्लाइन पाइल, टिम्बर पाइल, वेल फाउंडेशन कल रात में हमने खत्म करा, पाइल को खत्म कर चुके, केसन फाउंडेशन हमने खत्म करा, राफ्ट फाउंडेशन, ये 2 दिन की क्लास में मैंने ये सब पढ़ाया है और आपको आ भी रहा है, अब जो क्लास में नहीं आएंगे वो चुप ही रहेंगे, उनको नहीं आएगा बोलना। मैडम केसन फाउंडेशन
केसन को ही हम, वेल को ही हम केसन फाउंडेशन भी बोलते हैं, ठीक है, वेल या केसन फाउंडेशन। अभी बोल दो मैम, सबको, मैं स्टेयर हेलो केस पढ़ा रही हूँ। हाँ मैम, जहां मतलब पानी जो मतलब बहाव के कारण जो भूमि का कटाव होता है, हाँ हेलो, हाँ आवाज आ रही वहां बात पर करते इस वेल जाओ। फाउंडेशन का यूज किया जाता है? बेटा ये वेल फाउंडेशन का यूज, हाँ हम ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ की मिट्टी हमारी गीली है या रेतीली है, ठीक है। वेल का मतलब, कुएं का मतलब ये नहीं है कि पानी आता जाएगा, और वो इसके आकार के कारण हमने इसको वेल फाउंडेशन बोला है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर पानी भरता जाएगा, इसके अंदर तो हम क्या करेंगे, कॉन्क्रीटिंग करेंगे। और ये जो इसका जो मुहाना है, मतलब जो इनकी बाउंड्री है, ये किसकी बनाते हैं हम, स्टील की बनाते हैं, स्टील की या स्टील की शीट की, ठीक हाँ, है। इसलिए इसको वेल फाउंडेशन बोला जाता है। और इसको बहुत गहराई तक हम देते हैं, मतलब ये सोचो कि ये इसका जितना मोटा डायामीटर, जितना बड़ा वृत्त है, उतना ही हम इसको पूरा कॉन्क्रीटिंग और रेनफोर्समेंट से फील करते हैं। आई बात समझ में? इसमें पानी का या कटाव का कोई हमको इसका रिलेशन नहीं है, ठीक है। बेसिकली होता ये है कि पानी की जगह पे हम बनाते हैं उपयोग इसको, जहां तक इसकी गहराई देते हैं, जहां तक हमको कौन सी स्ट्रेटा नहीं मिल जाए, हार्ड सरफेस नहीं मिल जाए, या हार्ड स्ट्रेटा नहीं मिल जाए, ठीक है। ये हमको बेस इसका हार्ड नहीं मिल जाता है, हाँ वहां तक हम इसकी गहराई प्रदान करते हैं इस फाउंडेशन की, ठीक है। आई बात समझ में? ये थी हमारे फाउंडेशन की बात, हाँ ये हो गया चैप्टर आपका खत्म। चैप्टर मतलब जो भी टॉपिक है, जिस भी चैप्टर में आएगा। अब ये स्टेयर केस, जैसे ही फाउंडेशन मेन था, ऐसे ही स्टेयर केस मेन है, ठीक है। मेन टॉपिक है, अच्छे से समझ लेना। स्टेयर केस मतलब सीढ़ी, ये थोड़ा सा फाउंडेशन से इजी पड़ता है क्योंकि आप इसको देख सकते हो, ठीक है। आपने अलग अलग प्रकार की सीढ़ियों को देखा है, कैसे होती हैं वो, कैसे उनको आकार दिया जाता है, कैसे और कौन सी कंडीशन में कब कैसी जगह रहेगी, तो कौन सी स्टेयर केस देनी चाहिए, ठीक है। एक तो सबसे आम होती है स्टेयर केस में बी डिफाइंड एज द सीरीज ऑफ स्टेप, मतलब एक के बाद एक सीढ़ियों का जो सीरीज होता है लगातार एक के बाद एक, उसको बोलते हैं हम स्टेयर केस। एक सीढ़ी या दो सीढ़ी को हम स्टेयर केस नहीं बोलेंगे, ठीक है। वो उसको क्या बोलेंगे हम, स्टेप्स बोलेंगे, ठीक है। ओटले के बाहर एक या दो सीढ़ी बनाते हैं अपने घर के एंट्रेंस के वहां पे, उसको स्टेयर केस नहीं बोलेंगे। हाँ स्टेयर केस मतलब पूरी की पूरी सीढ़ियों की सीरीज, ठीक है। आगे इस बात समझ में? स्टेयर केस में बी डिफाइंड एज अ हाँ सीरीज ऑफ स्टेप सूटेबली अरेंज फॉर द पर्पस ऑफ कनेक्टिंग वेरियस फ्लोर्स। स्टेयर केस का पर्पस क्या होता है, इसके कार्य क्या होते हैं, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर को जोड़ने में क्या काम आती है हमारी स्टेयर केसेस काम आती है, ठीक है। ऑफ अ बिल्डिंग द एनक्लोज कंटेनिंग ऑफ फुल स्टेयर वेज इज कॉल्ड स्टेयर केसेस। द एनक्लोज मतलब क्लोज्ड, हमारा जो स्टेयर केस का ग्रुप होता है वो पूरी स्टेयर वेज के थ्रू हमारी कनेक्टेड होती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेयर केस। स्टेयर केस या सीढ़ियों का वर्गीकरण, ठीक है, अलग अलग प्रकार की कैसी स्टेयर केस होती है। सबसे पहली इसमें कौन सी आती है, हमारी स्ट्रेट स्टेयर्स। आ रही है बात समझ में? स्ट्रेट स्टेयर्स मतलब ये एक, इसमें है ना अलग अलग चीजें होती है। असक्षम बुक खोल के बैठे हुए हो क्या, हाँ मैडम, पहला पन्ना देख ला उसमें जहां नेवल और राइजर हेडर लिखे हुए हैं, पहला पन्ना देखा, मैडम, अलग अलग छोटी ये छोटी रहे ये रहे डेफिनेशन ये है, रहे एक एक दो दो लाइन की है ना। तो इसमें हाँ फ्लाइट की डेफिनेशन लिखी होगी, फ्लाइट की, हाँ FLIGHT है ना, फ्लाइट पढ़ना हाँ मैडम, उसको, फ्लाइट की डेफिनेशन। लगातार चढ़ाए जाने वाले स्टेपों को के समूह को जो एक फर्श से दूसरे फर्श तक या फर्श से लैंडिंग साइड में हाँ स्ट्रिंगों के लिए सहारे का काम करता है, नहीं उसे फ्लाइट बोलते सॉरी हैं, सॉरी गलत चले गए, सॉरी सॉरी, लगातार चढ़ाई जाने वाले स्टेपों के समूह को जो एक फर्श से दूसरे फर्श तक या फर्श से लैंडिंग तक या लैंडिंग से लैंडिंग तक होते हैं को फ्लाइट कहते हैं। ठीक है।
अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रही हूँ अपने घर की स्टेयर केस का, है ना, उसको देखना। ये है स्टेयर केस, ठीक है। अब ये समझना कि यहाँ पर पहला फ्लोर है और वहां पर वैसे तो मेरा हाँ आधा फ्लोर कंप्लीट होता है, मगर उदाहरण के लिए मान लेना वहां पर हम ऐसे सीधे सीधे चढ़े और हमारा दूसरा फ्लोर आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या एक स्टेप, ये दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ये पूरा समूह है स्टेप का, ठीक है। और इस पूरे समूह को मैं क्या बोलूंगी, फ्लाइट बोलूंगी। मतलब फ्लाइट की बात करूं तो ये कितना फ्लाइट है, एक फ्लाइट है, ठीक है। वही एक फ्लाइट ये हुआ और यहां पर क्या आ जाता है हमारा लैंडिंग। लैंडिंग की बात जब करते हैं, जब ऐसा चौखंडी या चौखंडा बनाते हैं हम, इसको बोलते हैं हम लैंडिंग। लैंडिंग से या तो हमारी सीढ़ी टर्न हो जाती है, टर्न हो जाती है मतलब ये कौन सी फ्लाइट आ गई मेरी, दूसरी। अगर मैं पहले फ्लोर से लेकर के अगले फ्लोर तक की बात करती हूँ तो ये हो गया हमारा पहला फ्लाइट, ये हो गया हमारा दूसरा इंटरमीडिएट फ्लाइट, ये तीसरे फ्लाइट में क्या आ गए हम, वापिस कहाँ आ गए, लैंडिंग पे आ गए, ठीक है। फिर ये आ गया हमारा स्ट्रेट स्टेयर केस, ठीक है। वापिस से मैं अगर बात करती हूँ हमारे इसकी बात, तो ये मेरे स्टेयर केस पहले फ्लोर से लेकर जब मैं दूसरे फ्लोर तक आ रही हूँ तो मेरे को कितनी फ्लाइट मिली, एक फ्लाइट, दूसरी फ्लाइट और ये तीसरी फ्लाइट। आ रही है बात समझ में? फ्लाइट मतलब सीढ़ियों का समूह, ठीक है। अब एक चीज समझना, इसमें क्या है हमारा कुआं आकार है, ओपन स्पेस है, मतलब मैं झांक करके नीचे देख सकती हूँ, अलग अलग फ्लोर पे देख सकती हूँ। स्पेस ये खाली है ना, ये खाली है, मतलब इस सीढ़ी में क्या है, बीच में ओपन वेल है। आ रही है बात समझ में? जब हम सीढ़ियों को चढ़ रहे हैं तो ये आ रही है बात, बीच में ओपन वेल है, ठीक है। तो ये किस प्रकार की स्टेयर केस है, ओपन वेल स्टेयर केस है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ स्ट्रेट स्टेयर केस की, स्ट्रेट स्टेयर केस जो आपका पहला स्टेयर केस है, ठीक है, स्ट्रेट इसके स्टेयर केस की बात करूँ तो उदाहरण के लिए मेरा ग्राउंड फ्लोर है या पहला फ्लोर है, मैं सीधा सीधा चढ़ूंगी और मेरे को दूसरे फ्लोर पे पहुंच जाऊंगी। मतलब सिर्फ इसमें स्ट्रेट ही हमको मिल रहा है, कहीं भी हमको बाइफर्केशन नहीं है, टर्न नहीं है, ठीक है। उदाहरण के लिए सिर्फ और सिर्फ हमको पहले फ्लोर से लेकर के अगले फ्लोर तक एक ही फ्लाइट मिल रही है। कितनी फ्लाइट मिल रही है, एक फ्लाइट मिल रही है। आ रही है बात समझ में? हाँ मैम। ठीक है, दूसरी स्टेयर केस थी हमारी डॉग लेग्ड स्टेयर केस, ठीक है। डॉग लेग्ड स्टेयर केस क्या होती है, जैसे ये मैंने बताई कि ओपन वेल स्टेयर केस है। अब जगह की अवेबिलिटी थी, ठीक है, जगह खाली थी तो हमने ओपन वेल बना दी। उदाहरण के लिए मेरा हाथ दिख रहा है आपको, सभी को हाथ दिख रहा है या सभी नाम को, है है ना। अगर ये जगह नहीं होती, कौन सी जगह नहीं होती, ये पूरी जगह नहीं होती हमारे घर में, अगर इतनी जगह अपने पास फोकट की नहीं होती तो मैं ये फ्लाइट को कहाँ शिफ्ट कर लेती, यहाँ पर। मतलब ऐसे चढ़ती, तुरंत बीच में कोई गैप नहीं रहता और फिर ऐसे चढ़ जाती। समझ में आ रही है हाँ मैम। बात, मतलब ये जो सीढ़ी है लगातार कहाँ आ जाती, इसके पास, मतलब ऐसे चढ़ती और तुरंत हाँ ऐसे चढ़ जाती, ठीक है। मतलब बीच में क्या हो रहा है, कोई जगह नहीं है, एक फ्लाइट और दूसरी फ्लाइट के बीच में कोई जगह नहीं बच रही है, इसमें जगह बच रही है। ये कौन सी स्टेयर केस है, ओपन वेल स्टेयर केस है, इसमें हमको बीच में जगह बच रही है। मगर अगर मेरी सीढ़ी कैसी होती कि लगातार जगह नहीं होती और डायरेक्ट मैं ऐसे चढ़ जाती तो वो कौन सी प्रकार की सीढ़ी कहलाती, हमारी डॉग लेग स्टेयर केस, ठीक है। दूसरी वही सीढ़ी है आपकी डॉग लेग स्टेयर जिसमें केस बीच है, में खाली नहीं होती है, कौन सी है दूसरी, डॉग लेग स्टेयर केस। ठीक है, पहली हो गई हमारी स्ट्रेट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल फ्लाइट थी और स्ट्रेट चल रही थी वो, मतलब हमारे नीचे वाले फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक फ्लाइट थी और वो स्ट्रेट थी, ठीक है। दूसरी थी हमारी डॉगलेट, अगर हमारे पास जगह नहीं है तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, ऐसे घुमाते हुए ऐसे ले आएंगे। तीसरी सीढ़ी हमारी क्या है, ओपन वेल स्टेयर केसेस, जो आपको अभी दिख रही है पूरी, अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, जैसे ग्राउंड फ्लोर की बात करें, जो नीचे आपको सीढ़ी दिख रही है
ऊपर की सीढ़ी, नीचे की सीढ़ी, ये ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहे हैं, तो हम कैसा कर रहे हैं, हमको यहाँ चले, फिर यहाँ चले, फिर यहाँ चले, फिर यहाँ आ गए फर्स्ट फ्लोर पे, फिर यहाँ चले, फिर यहाँ चले, फिर यहाँ चले, तो ये कौन सा हो गया हमारा, बीच में ओपन कुआं हो गया, मतलब ओपन वेल स्टेयर केस मिल रहा है अपन को, ठीक है। तो ये तीसरी प्रकार की स्टेयर केस है। चौथी प्रकार की कौन सी लिखी हुई है बुक में, पढ़ो जरा। ज्योमेट्रिकल लिखी होगी, हाँ मैडम। है ना। क्या होता है ज्योमेट्रिकल स्टेयरकेस, क्या होती है, जब हमको थोड़ी सी जगह कम मिलती है या हमको कर्व्स रहते हैं, ठीक है। मतलब ये तो जैसे कैसा मेरा चौड़ा है, चौकोर है, ठीक है, ये ऐसा सीधा का सीधा, अगर सपोज यहाँ पे मेरा कर्व आता या फिर सीढ़ियों में भी कर्व आता, जैसे अभी कैसी सीढ़ी है मेरी, यूं और यूं है, मगर सपोज ये चढ़ते चढ़ते ऐसे कर्व में चढ़ते जाते हम, ठीक है, मतलब यहाँ पर से पूरा हमको कर्व मिलता, तो सीढ़ियाँ भी जो क्या होती, जिसके जो एक एक टप्पे हैं, इनको टप्पे बोला जाता है, ये पहला टप्पा, दूसरा, तीसरा, ऐसे टप्पे बोले जाते, मतलब इनके टप्पे भी कर्व में हम रखे जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लैंडिंग जो होती है ना, वो भी हमारी सीढ़ियों के टाइप में होती, और कैसी होती, कर्व में होती, फिर यहाँ पे आ गए, फिर ये भी कर्व में होता, ठीक है। कर्व मतलब एक चाप, चाप ही बोलते कर्व को, है ना, समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो ये हमारी हो गई चौथे प्रकार की सीढ़ी, कौन सी थी, जियोमेट्रिकल सीढ़ी। और पांचवी कौन सी है, पांचवी मैडम सर्कुलर स्टेयर। सर्कुलर, उसका आप वो शेयर करो, फोटो बताना उसका कैसा। हेलो, हाँ ठीक है, ये भी है अपने पास। अब ये सीढ़ी देख रहे हो आप, सीढ़ी दिख रही है सबको, मैडम, ये कैसी यस है, मैम, सर्कुलर सीढ़ी है, ठीक है। मतलब ये कम से कम जगह में बन जाती है, मतलब मैं देख रही हूँ ना, ये एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक पहुंचने में सिर्फ इसने कितनी जगह घेरी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ठीक है, सिर्फ इतनी सी जगह में ये सीढ़ी बन गई। मतलब हमने क्या करा, ये जो हमारा खंबा है, मतलब ये एक एक्सिस हो गई, अगर मैं छत से या आसमान से देखूंगी ना, तो ये एक गोले के अंदर पूरी सीढ़ियां मेरे को दिख जाएगी। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, जब चढ़ते हैं तो ये जो एक्सिस है, इसी एक्सिस के अराउंड हम टर्न होते होते चढ़ते हैं। आवाज कंट्रोल करो बेटा, छत पे आ गए, देखो अब आपको दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है क्या, मतलब ऊपर से हम टॉप व्यू से देख रहे हैं, हम टॉप व्यू से देख रहे हैं, तो हमको एक गोला दिखेगा बस, और उसी गोले के अंदर यहाँ से सीढ़ी स्टार्ट होकर के पूरी छत तक आ गई, मतलब छत मतलब सेकंड फ्लोर तक आ गई। तो ये किस प्रकार की आपकी सीढ़ी हुई, सर्कुलर सीढ़ी हुई, आई बात समझ में। देखो जो सक्षम वाला फोटो खोलना है ना, मेरे को नहीं दिख रहा है इसका फोटो सक्षम, ये बड़ा कैसे होता है, सक्षम वीडियो ऑन करो तुम्हारा, हाँ सिर्फ वो सर्कुलर स्टेयर केस पे जाओ, है ना। मतलब ये जो 1 2 3 4 दिख रहा है, ये इसके स्टेप है, ये 1 2 3 4 5 6 7 11 तक, ठीक है। और ये इसमें आपको नीचे एलिवेशन में देखो, जो स्पाइरल टाइप की है, ये क्या एक खम्बा आपको बीच में दिख रहा है, उसके आसपास आसपास ये स्टेयर केस घूम रही है, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई हमारी, सर्कुलर स्टेयर केस, ठीक है। अब आ जाओ मेरे वाले वीडियो पे, ठीक है, मेरे वाले वीडियो पे आ रहे हो तो आपको स्टेयर केस दिख रही है एक ब्लैक कलर की, जिसमें एक काला खंबा दिख रहा है, ठीक है, ये खंबा दिख रहा है, यही जो सक्षम का डायग्राम है
स्पाइरल वाला, उसमें जो बीच में व्हाइट कलर का खंबा दिख रहा है, ये वही है। और उसके आसपास आसपास ऐसी स्टेयरकेस बनी हुई है। ऊपर प्लान में देखोगे तो सर्कल दिख रहा है, सक्षम के अगर प्लान में देखोगे तो सर्कल दिख रहा है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 12 तक में सीढ़ियाँ हैं। तो वो 12 क्या है, जैसे गिनती शुरू होती है। अगर मेरे इसमें आप देख रहे हो मेरे वीडियो में, तो ये पहला टप्पा, दूसरा टप्पा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11 12 13 14 15 15 टप्पे में मेरा ये पूरा फ्लोर कवर हो रहा है। उसके 12 टप्पे में उसका फ्लोर कवर हो रहा है, मतलब 12 टप्पे में पूरा वो सेकेंड फ्लोर पर आ जा रहा है। ठीक है, अब मेरे इसमें 15 टप्पे बने हुए हैं, मतलब एक जो ये एक्सिस है ये पूरा क्या है, हमारा खंबा है। इसी एक्सिस के अराउंड पूरे वृत्ताकार में हमारी सीढ़ियाँ घूमी हुई है। मतलब अगर स्पेस या एरिया की बात करूँ, मेरे को ऐसी जगह जहाँ निर्माण करना है जहाँ पे हमारा एरिया कम है, तो हम वहाँ पर क्या प्रोवाइड कर देंगे, हमारी सर्कुलर स्टेयर केसेस। आपने अधिकतर देखा होगा दुकानों में, जहाँ फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर की दुकानें होती है, वहाँ पर जगह की अवेबिलिटी कम होती है। तो उसकी स्थिति में जब वो ऊपर गोडाउन रखते हैं, तो उनकी स्टेयरकेस किस प्रकार की होती है, ऐसी सर्कुलर प्रकार की होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पूरा एक जो एक्सिस रहता है, मतलब खम्बे को मैं अगर कोई वो एक्सिस बोल रही हूँ, तो उसके आसपास पूरा टर्निंग में हमारी स्टेयरकेसेस होती है। आई इतनी बात समझ में? अब देखो, प्लान मतलब ऊपर से देखने पर हमको दिख रहा है, तो उसके जो बुक में दिख रहा है वो सर्कुलर है। ठीक है, ये हमारा प्लान हुआ, तो एक सर्कल के अराउंड हमको 15 सीढ़ियाँ दिख रही है, तो उसके बुक में सर्कल के अराउंड 12 सीढ़ियाँ दिख रही है। और जो नीचे का फोटो है वो है उसका एलिवेशन। जब हम नीचे जा कर के बात करते हैं, एलिवेशन प्लान मतलब हमने जब छत से देख के देखा। अब एलिवेशन की बात करते हैं, तो सक्षम की बुक में देखना ऐसे सांप के जैसे सीढ़ियां चल रही है, मतलब एलिवेशन ऐसा दिख रहा है। ठीक है, एलिवेशन मतलब हमने किसी चीज़ को सामने से देखा। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है, अब मैं डॉग लेग अपनी ओपन वेल स्टेयर केस की बात करूँ। प्लान मतलब मैं छत से देख रही हूँ, फोटो बताना सक्षम ओपन वेल का। ओपन वेल का फोटो दिखाओ, ओपन वेल का बोल रही हूँ। ठीक है, ओपन वेल मतलब जो स्टार्टिंग में है आपके ज्योमेट्री के पास में उसको। हाँ, ऊपर देखो प्लान है ना, प्लान कैसा है उसका, उसके इसमें देखोगे तो थोड़ा ऐसा, मतलब बुक ऐसी है। बुक को ऐसे करो सीधा, बुक को ऐसे करो सीधा। हाँ, अब दिखाओ, पास में करो, थोड़ा और पास में करो, नीचे करो, प्लान दिखाओ, प्लान साइड वाला। हाँ, ये जो बीच में जगह खाली दिख रही है, मतलब वो है, ये जगह खाली हो गई है। ठीक है, जैसे कोने से स्टेप चालू हुई ऐसे, फिर लैंडिंग आई, चाहे हम चाहते तो इसको पूरे को लैंडिंग बना सकते थे। ठीक है, मगर हमने क्या करा, उसको लैंडिंग नहीं बना करके वहाँ पर स्टेप्स दिए। तो अगर बहुत सी जगह पे क्या होता है, जैसे ये स्टेयर केसेस है, ये पूरा लैंडिंग मतलब एक ही लेवल पे बना करके फिर ये दूसरी स्टेयर केसेस। प्लान मतलब जब मैं छत से देख रही हूँ, ऊपर की डायरेक्शन में देख रही हूँ, तब की स्थिति है। एलिवेशन क्या होगा, जब मैं ऐसे साइड से देखूंगी। ठीक है, तो आपको शीट में दोनों चीज़ें बनानी है, छत से देखने वाला प्लान भी बनाना है और साइड से दिखने वाला एलिवेशन भी बनाना है। एलिवेशन की बात होती है, तो एलिवेशन ये चीज़ हो गई है, हम जब साइड से देखेंगे तो हमको प्रॉपर एक एक टप्पा, एक एक लेवल दिखना चाहिए। ठीक है, अब बात कर रहे थे राइज क्या होता है और ट्रेड क्या होता है। राइज मतलब जो भी स्टेयर को राइज करता है, मतलब उठाव देता है, उसको बोलते हैं हम राइजर। और जिस पे हमारा पैर रखाता है, मतलब टप्पा जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम ट्रेड। आई इतनी बात समझ में? स्टेयर केस की बात कर रहे हैं, तो ये होता है हमारा राइज और ये होता है हमारा ट्रेड। आई इतनी चीज समझ में आ रही है? हाँ ना बोलो, आवाज नहीं आ रही क्या, नेटवर्क वेटवर्क वीक है क्या? आवाज नहीं आ रही मुझे तुम लोगों की? मारे आवाज आ रही हमारे वीडियो नहीं दिख रहा। ये राइजर होता है और ये ट्रेड होता है। ठीक है,
ट्रेड मतलब इतना बड़ा होना चाहिए कि मतलब सबसे बड़े साइज का जो जूता आता है उससे 2 इंच का बड़ा होना चाहिए, मतलब किसी का भी पैर फुल साइज जो आता है उससे थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। ऐसा क्यों करेंगे कि भैया आपने अगर ट्रेड इतना सा छोड़ा तो तुम्हारा आधा पैर यहीं ले जाएगा, जब हम चढ़ेंगे तो हमारा पूरा पैर प्रॉपरली रखा होना चाहिए। मतलब मुझे लगता है मेरा 10 नंबर का जूता आता है मेरे को, शायद 9 नंबर का, तो उससे मेरा ये थोड़ा बड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होता है कि हम जब चढ़ते हैं, चढ़ाई करते हैं, तो हमारा पैर आगे वाले जो राइजर है उससे ठूके नहीं, इस कारण से हम करते हैं। ठीक है, अब मैं जब जब भी चढ़ाव में चढ़ूंगी तो मेरा पैर जब मैं ये उठा रही हूँ तो इसके बीच में प्रॉपर गैप होना चाहिए। ठीक है, अगर गैप नहीं होती और ऐसे उठाती तो मेरा पैर क्या होता, टकराता, इंजरी होती चढ़ने वाले के उसमें। दूसरी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती, ये चीज़ होती हमारी नोजिंग। ठीक है, आपके जब वो टर्मिनोलॉजीज पढ़ोगे पहले पन्ने की, जितनी डेफिनेशन लिखी है उसको जब पढ़ोगे तो आपको पता पड़ेगा, ये चीज़ हम क्या करते हैं, राउंडेड देते हैं, बाहर निकली हुई और राउंडेड। इससे क्या होता है, जब हम चढ़ते तो हमारे पैर में इंजरी होने से या कट फट लगने से हम बच जाते हैं। तो ये वाला जो कोना हम निकालते हैं तो इसको बोलते हैं नोजिंग, ये हम सर्कुलर करते हैं और राउंडेड देते हैं। ठीक है, आई इतनी बात समझ में। ये होती हमारी हैंडरेल। हैंडरेल किस लिए होती है कि हमको जब चढ़ें तो हमको सपोर्ट प्रोवाइड करें। ठीक है, और सबसे पहले जो पहला वाला जो टप्पा रहता है ये हमारे यहाँ नीचे लगा हुआ है, ये जो पहला वाला जो टप्पा रहता है इसको बोलते हैं एक बीम जैसे प्रोवाइड करता है। जब हम ऐसे चढ़ते हुए जब ये इसको हिलाते हुए आते हैं, मतलब जल्दी जल्दी में अगर उतरते हैं, तो अल्टीमेटली जो ये हैंडरेल रहती है वो पूरा लोड कहाँ ट्रांसफ़र करती है, पहले वाले को। तो पहला वाला जो हम ऐसे कॉलम प्रोवाइड करते हैं, ये एक तरह से कॉलम है, ये एक तरह से इंक्लाइंड बीम है, मतलब हम इस पे जो लोड लगा रहे हैं ये अल्टीमेटली कौन ले रहा है, ये ले रहा है। ठीक है, तो हम जो पहला वाला हत्ता बनाते हैं या जो पहला वाला हम इस पे सपोर्ट बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं, स्ट्रोंग बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। ठीक है, आई इतनी बात समझ में। ये था आपका प्रैक्टिकल।